9 लाख की आबादी वाले केरल के वायनाड से दरकते पहाड़, खिसकती जमीन और सिसकती आवाम की तस्वीर और चर्चा पूरे देश में हो रही है। वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना में करीब 200 लोगों की जान चली गई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ लगभग अब ये परंपरा सी बन गई है कि पहले हादसे का इंतज़ार करो, जब हादसा हो जाए तो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालो, यह आप गलत है, नहीं 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 आप गलत है, यही खेल शुरू हो जाता है हादसे के बाद। वायनाड केस में भी यही हो गया है। नेताजी लोग अब दौरे पर निकल गए हैं वायनाड के, बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को गलत और जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस हादसे के बीच चर्चा एक गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट की हो रही है। माना जा रहा है कि अगर सरकारों ने गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया होता तो वायनाड में इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था, 200 जाने नहीं जाती। गाडगिल पैनल ने अपनी रिपोर्ट में वेस्टर्न घाट के इलाकों को बेहद संवेदनशील बताते हुए वहां भयानक त्रासदी की आशंका जताई थी, लेकिन सरकारों ने गाडगिल पैनल की रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। भारत सरकार द्वारा साल 2010 में एक कार्यकारी आदेश के द्वारा इसका गठन किया गया। कमेटी ने संवेदनशील इलाकों में खनन पर रोक लगाने की सिफारिश की। इस कमेटी ने संवेदनशील इलाकों को 3 भागों में बांटा और सभी के लिए अलग अलग राय यानी कि सलाह दी। कमेटी ने कहा कि इन इलाकों में कोई निर्माण कार्य न कराया जाए। साल 2011 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन राज्यों के विरोध के बाद इस कमेटी को भंग कर दिया गया और दूसरी कमेटी बनाई गई, जिसे कि कस्तूरी रंगन कमेटी कहते हैं। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार थी। सरकार ने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद से कई लोग अब कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर मनमोहन सरकार ने इस कमेटी की बात मान ली होती तो यह हादसा नहीं होता। लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस के बाद केंद्र में आई मोदी सरकार ने भी इस रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जब भी केरल में बाढ़ या कोई आपदा आती है इस रिपोर्ट को याद किया जाता है, लेकिन अभी तक किसी सरकार ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया है। आपको बता दें कि जिस इलाके में हादसा हुआ है, इन इलाकों का उपयोग ब्रिटिश काल के दौरान चाय बगानों के लिए किया गया। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ रिसॉर्ट्स और कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया, साथ ही बड़े पैमाने पर विकास हुआ। इतना ही नहीं, इन इलाकों में खदानों से भी मिट्टी कमजोर हुई। इसके अलावा भाजपा के नेता केरल सरकार पर EWS यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। साथ ही राहुल गांधी को भी घेरा है कि राहुल ने अपने इलाके पर ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अनुसार अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट को केरल की सरकार को 7 दिन पहले भेज दी गई थी, लेकिन पिनराई विजयन की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई, 7 दिन पहले। फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट, जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। वहीं तेजस्वी सूर्या ने सदन में राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने केरल में लैंडस्लाइड बाढ़ जैसे मुद्दों को एक बार भी सदन में नहीं उठाया। इन 2020 द केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेड, स्पीकर सर, इन 2020 केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एडवाइज्ड रीलोकेटिंग 4000 फैमिलीज फ्रॉम लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज इन वायनाड। Till today, no action was taken, and the MP representing Wayanad did not even raise this issue till today. बहरहाल आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रभावित इलाके में पहुंचे, हालात का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में अगर हमारी सरकारों ने गाडगिल रिपोर्ट पर ध्यान दिया होता तो यह हादसा रुक सकता था? आज जो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है कि आप जिम्मेदार हैं, सही बात यह होता कि आप गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आते हैं और उस पर सभी दल बैठकर विचार करते हैं और उसे लागू करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वायनाड में हुए हादसे पर, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।